70% हिस्से पर पानी पाया जाता है और इस पानी में ऐसी हैरान कर और नायाब चीजें मौजूद हैं कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम आपके लिए ऐसी ही अनयूजुअल थिंग्स लाए हैं जो कि पानी से मिली और पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। नंबर 5, पानी के नीचे मिलने वाला म्यूजियम जिसमें 500 मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे मिलते हैं। समुद्री गोताखोर इन मुजस्मों को बाहर से ही देख सकती हैं क्योंकि इनको शीशे के ग्लास में महफूज कर लिया गया है। ये मुजस्मा साजी 2008 में शुरू हुई और 2013 में मुकम्मल कर ली गई। इन मुजस्मों को बनाने का मकसद कोरल रीफ की हिफाजत थी क्योंकि कोरल रीफ पथरीली जगहों पर ही बनते हैं। नंबर 4, 2400 साल पुरानी कश्ती जो कि ब्लैक सी से मिली। बल्गेरिया के समुद्रों में ही सफर करते हुए साइंसदानों ने दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट बोट दरियाफ्त की। साइंसदान इसकी बनावट से इतने हैरान थे कि इस कश्ती की बनावट बिल्कुल जदीद तरीन कश्तियों से मिलती जुलती थी। नंबर 3, सैन होजे, एक शिप जो कि 1708 में समुद्र में डूब गया था। इस शिप्स में 600 लोग सवार थे और इसमें कीमती नवादरात और बेशुमार सोने के सिक्के भी मौजूद थे। स्पेन और इंग्लैंड की जंग के दौरान किसी को भी इस शिप की असल जगह का पता नहीं चल सका। इस शिप में जो खजाना है इसकी मालियत 17 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। 2017 में कोलंबिया में जीरे समुंदर सर्च में इस जहाज का मलबा ढूंढ निकाला गया था। नंबर 2, सेंसोरा, ये सबसे कीमती खजाने वाला जहाज है। 17वीं सदी में इस जहाज पर खजाना लोड करके 260 जंगियों की हिफाजत में ये जहाज अपने सफर पर निकला। इस जहाज पर 40 टन के करीब सोना, चांदी और दीगर मुख्तलिफ नवादरात का खजाना मौजूद था जिनको स्पेन ने कोलंबिया, पीरू और बहुत से दूसरे ममालिक से जब्त किया था। 1622 में ये शिप समुद्री तूफान की जद में आ गया जिसकी वजह से तमाम के तमाम अहलकार और ये खजाना समुद्र में दफन हो गया। अब तक सी डाइवर्स इस शिप से 450 मिलियन डॉलर का खजाना निकाल चुके हैं। स्फिनिक्स, दोस्तों आप सब ने इजिप्ट के पिरामिड्स की वीडियोस तो देखी ही होंगी। ये फन के शाहकार हाथ से बनाए गए मुजस्मे हैं लेकिन मिस्र के पिरामिड की तर्ज पर बनाया गया स्फिनिक्स मिस्र से 10,000 किलोमीटर दूर से मिला। सी डाइवर को ऐसा लगा कि ये कुछ ही मटेरियल या किसी पेंटर ने बनाया है लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि ये मुजस्मा 2500 साल पुराना है और हैरान कौन तौर पर ये भी उसी मटेरियल से बनाया गया था जिससे अहराम मिस्र बनाए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक वक्त तक पहुंचती रहे।